अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे UPTET रॉन्ग क्वेश्चन की कोर्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात होगी UPTET TET 2017 में पूछे गए प्रश्नों पर की गई थी आपत्ति। एकल पीठ ने वर्ष 2018 में 14 प्रश्नों को हटाकर पुनर्मूल्यांकन का दिया था आदेश और 14 प्रश्नों को माना गया था दोस्तों गलत। तो दोस्तों क्या इसमें नंबर बढ़ेगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं। टीटी 2017 की परीक्षा को हजारों अभ्यर्थियों की ओर से कुल 316 याचिकाएं दाखिल करने हेतु चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा के बाद जारी की गई उत्तरमाला में दिए गए कई जवाब या तो गलत है अथवा कुछ प्रश्नों के एक से अधिक जवाब सही है। कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे जो सिलेबस से बाहर थे। याचिकाओं में इन्हें NCTE के गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन बताया गया था। मामले पर विस्तृत सुनवाई करने के पश्चात एकल पीठ ने 6 मार्च 2018 को पारित आदेश में 14 प्रश्नों को गलत, आउट ऑफ सिलेबस व एक से अधिक विकल्पों का सही होना पाते हुए इन्हें हटाकर पुनर्मूल्यांकन के आदेश दे दिए गए थे। एकल पीठ ने उक्त आदेश को सरकार ने 2 सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल कर चुनौती दी, परंतु सरकार की ओर से दाखिल अपील में सभी 316 याचिकाओं के याचियों को प्रतिवादी न बनाते हुए मात्र एक याचिका के याचियों को प्रतिवादी बनाया गया। हालांकि 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकल पीठ के निर्णय में संशोधन करते हुए हटाए जाने वाले प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया, जिसके बाद दोस्तों 316 याचिकाओं के कुछ याचियों ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सदस्यीय खंडपीठ के संशोधित आदेश को खारिज करते हुए सभी याचियों को सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट में भेज दिया। शीर्ष अदालत के आदेश पर सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने सरकार से पूछा कि उसने सभी 316 याचिकाओं में अपील क्यों नहीं दाखिल की, क्या उसने एकल पीठ के 6 मार्च 2018 के निर्णय को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों तो ये थी पूरी खबर आपकी। तो अब UPTET में जो 14 राउंड क्वेश्चन थे उसको हटा लिया गया, अब नंबर बढ़ेगा या नहीं उसकी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आप लोग का UPTET 2019 बहुत जल्दी कमिंग सून है, उस पर बाकी बात होगी UPTET 2019। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे 2019 में फॉर्म भरने वाले, तैयारी करने वाले, वो भी हमारे साथ जुड़े रहें और भी बात होती रहेगी। तब तक प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे।